फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के इहाता कचहरी में बुरकापोश खातून की अंधाधुंध फायरिंग से मकामी वकील सदीक आवान एडवोकेट और उनके मुंशी रब नवाज शदीद जख्मी हो गए, जबकि गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से खातून मौका पर हलाक हो गई। खातून की शनाख्त फरत बीबी जौजा मोहम्मद अब्बास बट्टू के नाम से हुई है और उसका ताल्लुक तहरे कत्ल के मुदई खानदान से बताया गया है। SP सदर शम्सुल हक दुरानी के मुताबिक सदीक आवान एडवोकेट खातून के मुखालिफ वकील हैं। उनकी हालत तशवीशनाक होने के पेश नजर अलाइड हस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। हमलावर खातून की एक मुबैना साथी खातून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। SP शम्सुल हक दुरानी ने मजीद बताया कि हमला की असल वजूहात मालूम करने के लिए तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। SDPO समुन्द्री मुस्तफा रजोका पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका वारदात पर पहुंचे, जबकि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के अफसरान और अहलकारान ने मौका से शवाहिद इकट्ठे किए। मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज, फैसलाबाद।